हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल को। आज की वीडियो में अपनी बाइक में इंस्टॉल करने वाले हैं ये बार एंड लाइट्स। ये बार एंड लाइट्स जो है इंपोर्टेड है, आपको ये लोकल नहीं मिलेंगी। और ये जो बार एंड लाइट है, इनको लगाने के लिए आपको कोई भी ऐसे पत्ती को बेल्ट वगैरह करवा के उसमें थ्रेड वगैरह नहीं डलवाना पड़ेगा, ये डायरेक्ट फिट होती है। अगर आपके पास कोई भी नॉर्मल बाइक है जिसमें कि यह पाइप वाला हैंडल है, होलो पाइप वाला, तो उसमें ये डायरेक्ट फिट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप की है, आप देख सकते हैं इसको। और इसमें जो है सिंगल एलईडी है, मतलब एक ही एलईडी होगा इसमें। इसका कलर ब्लू है, अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं इसमें। शायद से इसमें कलर ऑप्शन आपको काफ़ी मिल जाते हैं। और वायरिंग भी इसके लिए आपको सिंपल ही करनी है, इसकी जो दो ही वायर होंगी इसमें। तो ये कुछ इस टाइप की है। तो गाइस एक्चुअली मेरी बाइक में जो हैंडल लगा हुआ था वो पल्सर का था, तो इसलिए मैंने ये प्लेटिना बाइक का हैंडल लिया है। तो प्लेटिना बाइक के हैंडल में इसको इंस्टॉल करेंगे, और विदाउट एनी होल, मैं बिना कोई होल किए हैंडल में इसको इंस्टॉल करूंगा। तो गाइस मोस्टली जो हैंडल होते हैं उनमें से ये जो छेद होता है ये होता ही है, तो हम इसके जरिए अभी जो है हम वायरिंग को पास करेंगे। तो हम एक स्टील वायर लेंगे और इसको जो है यहाँ से डालेंगे, और वहाँ से जो है हम वायरिंग को क्रॉस करेंगे। तो चलिए गाइस इसको मैं अभी कर लेता हूँ। तो गाइस आप देखते हैं मैंने वायर को यहाँ से अभी जो है पास कर लिया है। अभी इसके साथ मैं जो है ये वाली वायरिंग को जो है अटैच करके यहाँ से और इसको निकाल लूँगा। तो चलिए इसको मैं जल्दी से कर लेता हूँ। मैं दोनों साइड कर लेता हूँ, दो दो वायर जो है दोनों साइड में डाल दूंगा, एक लेफ्ट वाली साइड और एक राइट वाली साइड। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड दो दो वायर जो है क्रॉस कर दी है, और अभी मैं जो है इसका हैंडल को चेंज करूँगा। तो हैंडल चेंज करने में टाइम जाएगा, इसलिए मैं आपको जल्दी से इसको दिखा देता हूँ। तो चलिए गाइस अभी हमारा हैंडल जो है वो अभी लग गया है प्लेटिना वाला, और अभी जो इसकी वायरिंग है इसको मैं यहाँ पर ज्वाइंट करके इसको अच्छे से टेप करके और ये डायरेक्ट फिट हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको बोला था। तो चलिए पहले मैं जल्दी से इसको जो है ज्वाइंट कर लेता हूँ, उसके बाद इसमें जो है अच्छे से टेप कर दूंगा। क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने अभी इसको ज्वाइंट कर दिया। अब इसकी जो वायर है उसको मैं थोड़ा सा अंदर पुश कर दूंगा, मतलब जितनी वायर का जो पार्ट है उस जो अंदर जा सकता है वो यहाँ पर चला जाएगा, और उसके बाद ये बार एंड लाइट को मैं पुश करके जो है इसमें इंस्टॉल करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये पूरी जो है वायर अंदर चली गई है। अभी यहाँ पर मैं बार एंड को लगा के और इसको जैसे पुश करूँगा तो इसकी जो रबर है बिल्कुल प्रॉपर फिट आएगी आपके बाइक के हैंडल के हिसाब से। तो अगर आपके पास प्लेटिना बाइक है, स्प्लेंडर बाइक है, या कोई और बाइक है जिसमें कि ऐसे जो पाइप है वो खाली वाली पाइप वाला हैंडल होता है, तो उसमें ये आसानी से ऐसे फिट हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं ये यहाँ पर प्रॉपर फिट हो चुका है। चाहूँ तो मैं इसको आगे और भी कर सकता हूँ, लेकिन ये थ्रोटल है तो थ्रोटल में फिर प्रॉब्लम होगा, तो बीच में अटकेगा थ्रोटल, इसलिए मैं यहाँ तक इसको रहने दूंगा। तो गाइस आप देख सकते हैं थ्रोटल अभी प्रॉपर काम कर रही है, और सेम ऐसा ही मैं अभी जो दूसरी साइड भी लगाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसका जो है कनेक्शन बताता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने लेफ्ट वाली साइड में भी इसको इंस्टॉल कर दिया है, और राइट वाली साइड में भी पहले मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया था। और इसकी जो वायरिंग है राइट वाले की यहाँ से निकाल दी है, और जो लेफ्ट वाला है उसकी यहाँ से निकाल दी है। तो अभी हम इसकी जो है वायरिंग करेंगे। तो गाइस वायरिंग को करने के लिए मेरे को इसका वाइजर को खोलना पड़ेगा। तो वाइजर में दोनों साइड जो है 10-10 नंबर के बोर्ड लगे रहते हैं, उनको खोल के वाइजर निकल जाएगा। और आप देख सकते हैं इसमें जो है इंडिकेटर भी नहीं लगे हुए, क्योंकि मेरे इंडिकेटर जो पुराने वाले थे वो ख़राब हो चुके हैं, और अभी मैंने ये नए वाले लेके आया हूँ मार्केट से। और आप देख सकते हैं इसका प्राइस और UNO Minda ओरिजिनल जो इंडिकेटर हैं ये, तो इनको हम जो है अभी इंस्टॉल करेंगे। तो
तो चलिए गाइस इंडिकेटर्स को मैंने फिट कर दिया है। अभी जो बार एंड लाइट का जो कनेक्शन है वो भी हम इंडिकेटर्स के साथ ही करेंगे। तो गाइस आप देखते हैं एक लेफ्ट इंडिकेटर की वायर है और एक राइट की है, और ऐसे ही जो लेफ्ट और राइट का यहाँ पर वायरिंग निकली हुई है बार एंड लाइट की। तो हम क्या करेंगे, ये आप देखते हैं ये वाला जो वायरिंग है इसमें से एक जो ग्रीन कलर की वायर है उसमें आपको कॉमन है वो, तो उसमें आपको ये दोनों जो ब्लैक कलर की वायर है बार एंड लाइट्स की वो लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने जो दोनों ब्लैक वायर्स हैं उनको एक साथ ज्वाइंट कर दिया है, और अभी जो इंडिकेटर्स की एक एक वायर है वो भी इसी के साथ ही यहाँ पर जो है ग्रीन वायर से ऐसे अटैच हो जाएगी। तो इसके साथ ही हमारा नेगेटिव का कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो कैसे अभी हम पॉजिटिव का कनेक्शन करेंगे, तो जो लेफ्ट वाला पॉजिटिव होता है उसके लिए यहाँ पर जो है ऑरेंज कलर की वायर दी गई है, और इसके साथ ही हम जो है लेफ्ट वाले का जो इंडिकेटर है उसका भी यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे, और लेफ्ट जो बार एंड लाइट का जो पॉजिटिव होगा उसका भी हम जो है यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। तो जस्ट आपको जो है लेफ्ट वाले बार एंड लाइट की जो वायर है उसको लेफ्ट वाले इंडिकेटर में ऐसे लगा के इसमें इंसर्ट कर देना है। इसी तरह से राइट वाला जो है वो लाइट ब्लू होता है, तो लाइट ब्लू कलर की जो वायर है वो राइट इंडिकेटर के लिए है, तो वो राइट वाला जो बार एंड और जो राइट वाला इंडिकेटर है वो यहां पर लग जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारा जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो गाइस आप देखते हैं ये लेफ्ट वाला अभी काम कर रहा है, अभी राइट वाले को देखते हैं। तो आप देखते हैं राइट वाला भी काम कर रहा है। तो गाइस अभी मैं सभी को जो है इसको अच्छे से फिट करके अभी मैं आपको इसके जो है कुछ शॉट्स दिखाता हूं। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक भी करना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में जो मैंने यूज़ किया परचेज करना रहेगा तो लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर इसको जो परचेज कर सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।